अशोक चाहने की रैली में जा रहे हैं। आज बहुत बड़ा माहौल होने वाला है बच्चों, आज हमारे गांव बुनिका गोटा में आने वाला है। ये देखो अब आगे का सीन देखो बच्चों, भाई लोग आगे का सीन देखो, पीछे से थोड़ा सा तेजी के साथ मैं सड़क पे चलने वालों से भी निवेदन करूंगा, तेजी के साथ मां माने राहुल गांधी जी अनुशासन के अप्रिय हैं, इसे समय से आपके पीछे पहुंचे, आपने देरी कर दी, लेकिन राहुल गांधी जी ने देरी नहीं की। मैं मानता हूं क्योंकि आप लोग किसान हैं, हर रुकना नीति से काम करते हैं। ये देखो मेरा भाई दोस्त आदमी, लेकिन राहुल गांधी जी समय से आए कि नहीं आए, आए कि नहीं आए, गलती किसकी हमारी है जो हम समय से नहीं आए। इसे एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, अशोक चांदना, दूर दूर तक अशोक चांदना, अशोक चांदना, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, मान अशोक गहलोत, मान अशोक गहलोत, दोनों हाथ खड़ा करके जाएंगे सब लोग, मान अशोक गहलोत, सचिन पायलट, सचिन पायलट, सचिन पायलट, राहुल गांधी। ये देखो इधर राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल क्या दिया, क्या नहीं दिया ना, लेकिन हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने, राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने और हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने, खड़गे साहब ने इस बार लाने के लिए सब हाथ ऊंचे खड़े करके कहो कि इस बार हम कांग्रेस की सरकार लाएंगे और यहाँ से अशोक चांदन को 1,00,000 वोटों से हम आगे से जिताएंगे, इस बात की गारंटी दीजिए आप। साथियों मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि मोदी जी ने आज तक, मोदी जी और शाह साहब ने देश के लिए क्या किया, इन्होंने बड़े बड़े लोगों के जेबें भरी है, गरीबों का नुकसान किया है, किसान के बेटे को मिलना चाहिए, किसान का बेटा क्या, किसान का बेटा सपना देखे, मैं पायलट बनना चाहता हूँ, एक दिन मैं पूरी दुनिया में जाना चाहता हूँ हवाई जहाज उड़ा के, क्यों नहीं, ये कहते नहीं, तो हिंदुस्तान है, किसान को खेती करनी है, मजदूर को मजदूरी करनी है, अदानी जी को पैसा बनाना है, बॉडी गार्ड चश्मा लगा पहन देखो, और आखिरी बात, आपका पुराना पेंशन स्कीम नरेंद्र मोदी ने रद्द किया, हमने यहां पे लागू कर दिया, तो बात यह है, मेरा कहना है अगर मैं भारत माता की जय का नारा कहूंगा या आपसे कहलवाऊंगा तो सचमुच में भारत माता की जय तो करनी पड़ेगी ना, भारत माता आप लोग हो, भारत माता किसान है, मजदूर है, गरीब लोग हैं, भारत माता वही है, आवाज मोटी, तो नरेंद्र मोदी जी आते हैं कहते भारत माता की जय, अरे कौन टका ले, और दूसरी तरफ आजादी का काम कर रहे हैं कुर्सी फूट हो जाएगा 24 घंटा, तो अगली बार आएंगे उनसे आप कहिए नरेंद्र मोदी जी जाति जनगणना करा दीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ राजस्थान में तो ऑर्डर दे दिया हमने कि जाति का सेंसस होगा और जैसे ही दिल्ली में सरकार आएगी जाति जनगणना हमारा पहला काम होगा, पिछड़ों को पता लग जाएगा कि भैया आपकी आबादी कितनी है, दलितों को आदिवासियों को साफ पता लग जाएगा और आपकी सच्ची भागीदारी तब शुरू होगी, भारत माता की जय तब जाके शुरू होगी। आखिरी बात मत भूलिए, ये जो फ्री में इलाज हो रहा है,
ये जो पैसा आपके बैंक अकाउंट में जाता है, बीजेपी का आपने वोट किया ना, ये सब बंद हो जाएगा, सारा का सारा बंद हो जाएगा। अदानी का काम शुरू हो जाएगा, किसानों का कर्जा माफ भूल जाइए, फ्री में इलाज भूल जाइए, 500 रुपए का गैस सिलेंडर भूल जाइए। तो कांग्रेस पार्टी का पूरा समर्थन कीजिए, ओपीएस भूल जाइए। तो कांग्रेस पार्टी का पूरा समर्थन कीजिए और मिलके सचमुच में भारत माता की जय करनी है। धन्यवाद। जय हिंद। अब हमारे बूंदी से विधानसभा प्रत्याशी हरिमोहन शर्मा से निवेदन कर रहा हूँ कि वो धन्यवाद ज्ञापित करें। आदरणीय हरिमोहन जी, वो लोग फंस चले गए। राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी का हिंडोली विधानसभा क्षेत्र में तीनों विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए जो आप पधारे, हम हृदय के गहन दिल से आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम आपका स्वागत और अभिनंदन इसलिए भी करते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर सांप्रदायिक ताकतों को, मोदी जी को जो चुनौती आप दे रहे हैं, केवल अकेले ऐसे नेता हैं कांग्रेस पार्टी के जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर सांप्रदायिकता विरोधी ताकतों के खिलाफ जन चेतना पैदा करके राष्ट्र को एक मजबूत दिशा देने का प्रयास किया है। हम आपका अभिनंदन इसलिए भी कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत दिशा देकर, चाहे वो पद यात्रा के माध्यम से हो, चाहे वैचारिक आदान प्रदान के माध्यम से हो, चाहे सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने के माध्यम से हो, और केवल चुनौती देने के लिए मोदी जी को चुनौती देने वाला कोई व्यक्तित्व है राष्ट्रीय स्तर पर, तो राहुल जी गांधी हैं। मैं अब और अधिक कुछ नहीं कहकर आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि अशोक गहलोत जी की जनहितैषी योजना जो आपके दिशा निर्देशों पर उन्होंने लागू किए, उसके कारण और आपके कुशल नेतृत्व के कारण हम बूंदी जिले की तीनों सीटें जीत करके कांग्रेस को देंगे। आप भरोसा रखिए। धन्यवाद। जय बहुत बहुत आभार आदरणीय राहुल जी, आपने इस हिंडोली की पावन धरा पर, सूर्य मल मिशन की पावन धरा पर पधार कर अरे कानून आए तो उनका विरोध करने वाले एक मात्र नेता थे आदरणीय राहुल जी गांधी। जब नोटबंदी हुई तो पूरा देश लाइनों में खड़ा गया, तो उसका विरोध करने वाले थे एक मात्र राहुल जी गांधी। जब सेना पार्टी हुई, अग्निवीर योजना लाकर युवाओं में विस्तार होगा क्या, तो उसका